इस रोबोट को टेबल से बॉल को पिक करना है। अब यदि इसके हाथ में लगी मोटर का मोमेंट प्रिसाइजली एक्यूरेट नहीं होगा तो धड़ाम से हाथ टेबल पर गिरेगा। मान के चलते हैं रोबोट के हाथ में इंडक्शन मोटर लगी हुई है। इंडक्शन मोटर एक बार फुल स्पीड पर चलने के बाद इसकी सप्लाई हम बंद कर देंगे तो यह सडनली स्टॉप नहीं होगी अपने इनर्शिया की वजह से। तो इस कंडीशन में रोबोट किसी के सर पे हाथ भी रखेगा तो उसको सीधा चांटा पड़ जाएगा, क्योंकि मोटर का कंट्रोल है ही नहीं। इसलिए प्रीसाइज और एक्यूरेट कंट्रोल के लिए एक अलग मोटर डेवलप हुई जिसको सर्वो मोटर बोलते हैं। आज के मॉडर्न कार में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आता है, उसमें स्पीड को यही मोटर फिक्स करके रखती है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों की स्टेयरिंग व्हील बहुत ज्यादा स्मूथ होता है जिसके पीछे यही मोटर लगी रहती है। ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में तो यह मोटर किंग है। सर्वो मोटर देखने में कुछ इस टाइप की होती है। यह छोटी सी मोटर 25 केजी का वजन उठा सकती है। यह मोटर पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं करती है, जनरली 180 डिग्री या फिर 210 डिग्री या इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रोबोट में ऑलमोस्ट चीजें 360 डिग्री रोटेट नहीं करती है। यह मोटर क्लोज लूप में काम करती है, जो आपको अभी थोड़ा आगे समझ आ जाएगा। मोटर को ओपन करके देखें तो इसमें एक छोटी डीसी मोटर लगी रहती है जो हाई स्पीड एंड लो टॉर्क मोटर होती है, और गियर बॉक्स की हेल्प से मोटर की स्पीड को डाउन कर दिया जाता है और टॉर्क को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया जाता है। स्पीड टॉर्क के बारे में आप इस वीडियो से और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यह डीसी मोटर सिर्फ एक सिंपल मोटर होती है जो हम जनरली देखते हैं, लेकिन इसको एडवांस बनाया जाता है। यदि इस डीसी मोटर को हम इनपुट देते हैं तो जनरल सी बात है, यह मोटर हमें आउटपुट में रोटेशन प्रोवाइड करवाएगी। इनपुट को कोई आइडिया नहीं है कि आउटपुट में मोटर कैसा परफॉर्म कर रही है, इसलिए जब डीसी मोटर को एज ए सर्वो मोटर काम में लिया जाएगा तो इसकी आउटपुट स्पीड को ट्रैक किया जाएगा। तो जिस गियर से फाइनल आउटपुट मिलता है उसी गियर के नीचे एक पोटेंशियोमीटर लगा रहता है जो आउटपुट स्पीड को ट्रैक करता रहता है। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, तो जितनी जरूरत है उतना ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। मोटर के पास में खुद का कंट्रोल सर्किट होता है जिससे पोटेंशियोमीटर भी कनेक्टेड रहता है, और साइड में लगी डीसी मोटर भी और साथ में इनपुट सप्लाई भी कनेक्ट की जाती है। यह सर्किट बोर्ड मोटर की डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है। मोटर की खास बात है, इसमें हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते। इनके कंट्रोलर में तीन इनपुट दिए जाते हैं और वह भी अलग अलग आर्डिनो कंट्रोलर से। दो पॉजिटिव नेगेटिव वायर और एक सिग्नल वायर होता है जिसमें मोटर के आउटपुट को बार बार चेक किया जाता है। आर्डिनो कंट्रोलर किस तरीके से इनपुट देता है इसको हम थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझते हैं। यदि हमें इस बल्ब को ऑन करना होगा तो इस स्विच को कनेक्ट करना होगा। जिस तरीके से बल्ब ऑन ऑफ होगा उससे हम वेवफॉर्म से देखें तो जितनी देर तक बल्ब ऑन रहेगा उतनी देर तक हमें पल्स मिलेगी, उसके बाद में जीरो। ठीक, आर्डिनो भी मोटर को कुछ ऐसे ही सप्लाई देता है पल्सेस में, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है। यदि मोटर को छोटी पल्स दी जाती है तो मोटर लेफ्ट साइड में मूव करेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पल्स को हम फिक्स कर देते हैं तो मोटर एक जगह फिक्स हो जाती है, मूव नहीं करती है जब तक कि हम पल्स की विड्थ को कम ज्यादा नहीं करते हैं। इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। जब हम पल्स की विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो मोटर राइट साइड में मूव करेगी। अब इस पल्स को कंट्रोल करने के लिए साइड में हम एक अलग पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं जिसको जब हम रोटेट करेंगे ठीक वैसे वैसे मोटर भी रोटेट करेगी। थोड़ा सा मोटर के अंदर देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। जब आर्डिनो सिग्नल भेजता है तो एक तरीके से वह वोल्टेज ही भेजता है। वह सिग्नल कंट्रोलर डायरेक्ट मोटर को दे देगा और मोटर जितना वोल्टेज मिलेगी उतना रोटेट कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर लगा पोटेंशियोमीटर जब आउटपुट गियर रोटेट करेगा तो यह भी साथ में रोटेट करेगा। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा। यहाँ पर मोटर ड्राइवर और पोटेंशियोमीटर कंपेरेटर से कनेक्टेड रहते हैं। जब आर्डिनो कोई वोल्टेज की पल्स भेजता है तो इस पल्स से मोटर रोटेट करने लगती है और साथ में पोटेंशियोमीटर भी रोटेट करने लगेगा, और पोटेंशियोमीटर जब रोटेट करेगा तो रेजिस्टेंस को धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा, और जैसे ही पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज भी उतना ही पहुंच जाएगा जितना आर्डिनो ने भेजा है तो दोनों की पल्स बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे लगा हुआ कंपेरेटर बस इसी चीज को चेक करता रहता है। जैसे ही दोनों पल्स बराबर होगी तो कंपेरेटर आउटपुट में सिग्नल देना बंद कर देगा और मोटर बंद हो जाएगी, और मोटर तब तक बंद रहेगी जब तक पल्स की विड्थ को ना बदला जाए। तो सर्वो मोटर आउटपुट शाफ्ट का फीडबैक लेती है और एग्जैक्ट उतना ही रोटेट करती है जितना पोटेंशियोमीटर और मोटर की पल्स विड्थ के बीच में जो डिफरेंस होता है। जैसे ही यह पल्स विड्थ का डिफरेंस इक्वल हो जाता है मोटर भी स्टॉप हो जाती है, और इस कंडीशन में रोबोट एग्जैक्टली बॉल को अच्छी तरीके से पिक कर लेगा।
यदि हमारे कार की स्टीयरिंग इस वाले पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड होगी तो इस पोटेंशियोमीटर को हमें रोटेट करवाने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। हम बेसिकली पोटेंशियोमीटर को सिग्नल देंगे और मोटर हमारी गाड़ी के व्हील को टर्न करेगी और यह लो हमारी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग बनकर तैयार। इसी तरीके से क्रूज कंट्रोल काम करता है। जो फीडबैक सिस्टम होता है वह कंटिन्यूसली टायर की स्पीड चेक करता रहता है और कंपेरेटर टायर की स्पीड और जो हमने सेट की है उस स्पीड से कंपेयर करता रहता है। जैसे ही थोड़ी सी भी टायर की स्पीड कम होती है तो कंपेरेटर में एरर आता है और इस एरर को ठीक करने के लिए मोटर रोटेट करेगी और फ्यूल की सप्लाई को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक स्पीड वापस सेट पोजीशन पर ना आ जाए। अब सर्वो मोटर एसी भी हो सकती है और डीसी भी। आपके पास में यदि कोई ऐसी मोटर है जिसका ऑलरेडी टॉर्क हाई है तो आपको गियर बॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटर में बस एक सेंसर लगा होगा जो इसके रोटर की पोजीशन चेक करता रहेगा। स्किल्स के दम पर दोस्तों बहुत कुछ किया जा सकता है और ऐसा ही 3D एनिमेशन की स्किल में है। यह मार्केट की बहुत डिमांडिंग स्किल है और इसको सीखने के लिए आप हमारे 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल पर विजिट करके आप और ढेर सारे ऐसे ही वीडियोज को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।